प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने गोरखपुर के थाना प्रभारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने बताया कि जीआरपी गोरखपुर के थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है, जिससे कि अपराध को कम किया जा सके। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित एसआर केसों, महिला संबंधित अपराधों, गुंडा व गैंगस्टर एवं एचएस की अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्पीकर के माध्यम से यात्रियों को जहर खुरानी से सावधान किया जाए और ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों को बरामद किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ जीआरपी रचना मिश्रा सहित सभी जीआरपी के सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के रेलवे जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने कहा, आज मुझे गोरखपुर आने का मौका मिला। आज बेसिकली गोरखपुर में जो मेरा आगमन है, वो जितने भी जीआरपी गोरखपुर के थानाध्यक्ष हैं और जो और अफसर हैं, उनके साथ डिस्कस करने का था कि कैसे हम लोग जो अपराध है उसको और कम कर सकते हैं, और कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएँ हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और जीआरपी के लिए दी हैं, उस पर हम लोग पूरा उतर सकते हैं। तो उसके बारे में इन सभी अधिकारियों से काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुआ है, और खुशी की बात यह है कि सभी अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपराध एवं अपराधियों पे जो नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे।